ये तो धर्म के ठेकेदार हैं। जो व्यक्ति इस पे उंगली उठा रहे हैं उन्हीं का एक नॉन वेज का ढाबा है। एक भी व्यक्ति ने अगर नमाज पढ़ी हो तो मुझे इतला कर। एक भी जना स्कूल में नहीं आया नमाज अदा करने। झूठी पोस्ट, सरासर झूठी पोस्ट। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं। बीते दिन ईद बीत के गई है, प्रेम और सौहार्द का ये पर्व है। हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें जो हैं वो समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में इस तरह की भावना को पनपा करके अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बीते दिन ईद गई और ईद के दौरान एक हमारे शहर के प्रमुख शिक्षाविद हैं और समाज सेवी भी हैं, जो हर आने वाले त्यौहार, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो मुस्लिम का त्यौहार हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हर एक कार्यक्रम में, हर सामाजिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति ज़रूर होती है, उनका सहयोग अवश्य होता है। तो ये सब देखते हुए बीते दिन उन पर एक आरोप लगाया गया किसी विशेष व्यक्ति की ओर से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो व्यक्ति विशेष की ओर से ये आरोप लगाया गया कि आदरणीय मयंक भटनागर जी ने, जो एक शिक्षाविद हैं, उनका एक नगर में एक प्रतिष्ठित संस्थान है किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उस स्कूल के अंदर कहा गया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए स्थान दिया, और इस पर इस तरह की भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर वायरल की गई। तो आइए हम मयंक भटनागर जी के पास हैं, हम जानते हैं कि क्या था उस वायरल पोस्ट में, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसमें बुराई क्या थी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आइए न्यूज़ में। क्या ये वायरल पोस्ट, क्या वायरल पोस्ट थी? देखिए, ये वायरल पोस्ट मैंने जो देखी वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की पोस्ट है। हिंदुत्व या इस्लाम, इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। एक पूरी एक अलग सेल है जो इस कार्य में क्रियान्वित है। उन्हें हकीकत से कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि किड्स कॉर्नर स्कूल में नमाज हुई। मैं पूरे हक से और पूरे दायित्व से कह रहा हूँ, एक भी जना स्कूल में नहीं आया नमाज अदा करने। अगर एक भी फ़ोटो कहीं भी मौजूद है तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, कहीं कोई जना नहीं आया। माने स्कूल में नमाज हुई ही नहीं? हुई ही नहीं। और जबरन जो है फेसबुक पर ये झूठी पोस्ट वायरल की जा रही है। झूठी पोस्ट, सरासर झूठी पोस्ट। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं। भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। जिस तरीके से इन्होंने धर्म का सहारा लिया है, आप अगर मेरी माँ को जानते हो, श्रीमती सुखरानी भटनागर, उन्होंने कभी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया, हमेशा। अभी आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले ही जो दुर्गा जयंती थी, तो दुर्गा जयंती के डोले भी हम लोगों ने निकलवाए। हनुमान जयंती के मुख्य डोले की आरती में चीफ गेस्ट था, उसकी आरती करके मैंने हनुमान जयंती शुरू करवाई। साईं पालकी हर वर्ष मैं आयोजित करता हूँ। अभी इससे पहले ही मैंने भंडारा करवाया नव दुर्गे पे, बहुत बड़ा भंडारा था, पूरा बकायदा प्रसाद वितरण हुआ। तो क्या उस पर मेरे को हिंदू का टैग लगाना ज़रूरी है अपने ऊपर? अगर मुस्लिम लोग हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या अगर लोग ज़्यादा हो जाएं, आपका स्कूल ईदगाह के बिल्कुल लगा हुआ है, तो इस बार सड़कों पे बैठाना लोगों को मना है, तो अगर सड़कों की बजाय लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, लेकिन पानी की व्यवस्था हमसे नहीं हो पाएगी। मैंने कहा आप लोग बैठ जाइए अगर ज़्यादा हो जाएँ तो। फिर भी वहाँ पे गांधी पार्क के अंदर उतने लोग हो ही नहीं पाए, कोई भी हमारे यहाँ आया ही नहीं, कोई नमाज स्कूल में हुई ही नहीं। कितनी लोगों की परमिशन के लिए बोल पूछा था? उन्होंने कहा था 50-60 लोग आके अगर नमाज पढ़ लें, वो भी इफ़ अगर, और वो आए भी नहीं। तो जब नहीं आए तो इतना बवाल क्यों? इसमें किसका फ़ायदा है आप सोच के देखिए। और फेसबुक पोस्ट में ये कहा गया कि 200 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे बैठ के नमाज, एक भी 200 छोड़ दीजिए, 200 तो छोड़ दीजिए, एक भी व्यक्ति ने अगर नमाज पढ़ी हो तो मुझे इतला करें, मुझे फौरन सूचित करें, तो मैं आपको बताऊं कि क्या कहते हैं, मैं अपनी हार स्वीकारूंगा। मेरे यहाँ कैमरे लगे हैं, आप आके चेक करिए, अगर एक भी व्यक्ति ने वहाँ स्कूल में कदम रखा हो, कोई नहीं आया। और लेकिन अगर आते भी तो क्या गुनाह क्या था? आप ये बताइए
मेरे यहाँ मैं बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ, कई मुस्लिम बच्चे भजन गाते हैं मेरे यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, आप आइए कल, आप आइए, मैं आपको परिचय कराऊंगा कि कुछ जो मुस्लिम बच्चे उन वो भजन गाते हैं और सहर्ष गाते हैं, उनको सिखाते हैं हम गाना, भजन सिखाते हैं, तो वो अगर भजन गाते हैं तब उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है इन इन ठेकेदारों की, धर्म के ठेकेदारों की कोई टिप्पणी नहीं है। आप ये बताइए कि क्या पूजा स्थल देने से इनको बढ़ावा मिल गया? कई, मैं तो अब एक दूसरे मुद्दे पे आता हूँ, आप सभी क्या कहते हैं अपने घरों में कारपेंटर्स प्लम्बर्स सारे मुस्लिम होते हैं, और जो तथाकथित जो व्यक्ति इस पे उंगली उठा रहे हैं उन्हीं का एक नॉनवेज का ढाबा है। अच्छा, हाँ, उन्हीं का नॉनवेज का ढाबा है और चिकन और मटन उनके यहाँ सेल होता है, तो क्या चिकन और मटन हिंदू धर्म के अंदर अलाउड है? ये तो धर्म के ठेकेदार हैं, फिर ये क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना मुझे उनसे कोई तकलीफ है, भाई उनको कोई लाभ हो रहा होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे को जो संस्कार मेरी माँ ने दिए हैं, मैं हमेशा शिक्षा के प्रति समर्पित हूँ। कई लोगों को मेरे यहाँ, जब बच्चियों को अगर कोई भी बच्चा छेड़ता है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मेरे यहाँ आई हुई बच्ची मेरी अपनी औलाद है, तो जिसका पूरा दायित्व तो मेरा है। शिक्षा के अंदर तो ये कहा ही जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदोस्तान हमारा, ये तो जग प्रचलित है, लेकिन क्या ये लोग उस धारणा को देखते हैं? क्या उस धारणा को देखते हैं? क्या बुराई है कि अगर आपने उसको दे दिया तो क्या मैंने अपने स्कूल में मस्जिद बना दी, जैसे कमेंट दे रहे हैं, मस्जिद बना दी? जब मैंने रामलीला करवाई थी दिवाली पे, जब दिवाली पे रामलीला करवाई थी स्कूल में, तब उसको मंदिर घोषित क्यों नहीं किया इन्होंने? मेरे स्कूल के अंदर तो हर त्यौहार को मनाया जाता है, दिवाली पे, होली पे, हर त्यौहार पे हम उसकी महत्वता बताते हैं, तो ईद पे उसकी महत्वता अगर हमने बताई और उनको अगर अलाउ कर दिया पूजा अर्चना अपने तौर पे करने के लिए, तो मैंने इस्लाम को बढ़ावा दे दिया। मैं तो क्रिश्चियन क्रिसमस पे चर्च भी जाता हूँ, अगर आप पूछ सके तो फादर से पूछिए, मैं हर बार क्रिसमस को अटेंड करता हूँ। और स्कूल में फंक्शन करते हैं, मतलब कोई भी त्यौहार होता मैं है तो गुरुद्वारा भी जाता हूँ। आपने, मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले जब क्रिसमस था, तो क्रिसमस पे आपके बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने क्रिसमस मनाया, तो क्रिसमस मनाया आपने, वो भी देखा होगा। होली पे पूरा राधा कृष्ण का, होली का पूरा परिदृश्य हम लोग स्कूल में दिखाते हैं, पेरेंट्स ने आया और पेरेंट्स भी देखते हैं कि हम लोगों ने होली कैसे सेलिब्रेट करी थी, दिवाली की महत्वता दिखाते हैं। बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ना, ये भारत देश जो है ये विभिन्न धर्मों से मिलकर बना है। हाँ, अगर कोई मुस्लिम भी कट्टरता करता है तो वो भी गलत है, उसकी कट्टरता का भी विरोध होना चाहिए, और हिंदू अगर कट्टरता करता है तो उसकी कट्टरता इस देश में जहर है। इस देश के अंदर प्रेम के पौधे उगने चाहिए जिससे कि एक दूसरे को हम गले लगा सकें। किस तरीके से कट्टरता के बीज बो रहे हैं ये, और एक संस्था और एक व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बदनाम कर लीजिए, मैं अपने कर्म, मुझे अपने कर्म ईश्वर को दिखाने हैं, मुझे किसी को दिखाने नहीं, लेकिन जो संस्कार मेरी माँ ने दिए हैं मैं बच्चों को विद्या देता रहूँगा, सही संस्कार देता रहूँगा। उसमें ये धर्म के ठेकेदार अपने अपने फायदे के लिए जिस पहलू को जिस तरीके से रखें वैसे रखें। ये मुझसे पूछते हैं कि आपने हिंदू धर्म के लिए क्या किया, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप डिफरेंट मंदिरों में जाके आप पूछिए, हनुमान मंदिर में पूछिए कि उनके लिए मैंने क्या किया, दुर्गा मंदिर में जाकर पूछिए उनके लिए क्या किया, आप साई मंदिर में जाकर पूछिए मैंने उनके लिए क्या किया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक निहित हूँ, सब ईश्वर कराता है। अगर थोड़ी सामर्थ्य है तो अगर थोड़ा सहयोग कर दिया, मैंने सहयोग करना सीखा है, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी आँखों के अंदर हमेशा अच्छी चीज़ों को देखने की ललक होनी चाहिए। ऐसे ठेकेदारों के अंदर बुराई ही, ये सिर्फ बुराई तलाशते हैं कि उसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है, इसको लाओ, इसको लाओ, छोटी से छोटी बुराई को सामने लेके आते हैं, लेकिन छोटी से छोटी अच्छाई इनको नहीं दिखती।
तो वैसे सहयोग करना कोई भी बुरी बात नहीं है, सहयोग करना अच्छी बात होती है। अच्छा, मैंने उस फेसबुक पोस्ट में ये देखा कि उन्होंने लिखा कि अब किस कॉर्नर स्कूल को कौन कौन बाइकॉट करेगा, अपने बच्चों के एडमिशन कौन नहीं कराएगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या आपकी छवि को ख़राब करने की के उद्देश्य से ये किया गया, या फिर स्कूल की छवि को ख़राब करने के उद्देश्य से किया गया, या फिर अपना निजी फ़ायदे के लिए क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये सब लोग जो बॉयकॉट का कह रहे हैं ना, ये शायद बॉयकॉट का मतलब ही नहीं जानते। हर पेरेंट ये देखता है कि उस स्कूल के अंदर मेरा बच्चा क्या सीखेगा। जिसको ये एक संज्ञा दे रहे हैं ना मस्जिद की, तो मस्जिद है तो मंदिर भी है, मंदिर है तो गिरजाघर भी है, गिरजाघर है तो गुरुद्वारा भी है। हर चीज़ एक शिक्षा मंदिर में होती है। शिक्षा कभी बैर करना नहीं सिखाती। कट्टरता जिसके अंदर भी है वो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो व्यक्ति प्रेम से आगे बढ़ता है, शिक्षा हमेशा प्रेम करना सिखाती है। और उसी वजह से हम अपने बच्चों को सिर्फ प्रेम करना सिखाते हैं, उनको आदर्श ताके तौर पर ये सिखाते हैं कि कोई शक्ति है जिससे डरो और पढ़ाई करो। वो हम यही सिखाते हैं कि वो तुम्हें ज्ञान देगा, विवेक देगा, आप उसकी आराधना करो जिसको भी मानते हो। तो हम तो उनको बाइफरकेट नहीं करते। किसी को पूजा के लिए स्थल देना आज इतना बड़ा गुनाह हो गया, और वो भी स्थल पे कोई आया ही नहीं जो झूठ कह रहे हैं। कम से कम इस झूठ को तो सोचें कि हम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ 200 लोगों ने नमाज करी, सबसे बड़ा झूठ। एक जना भी नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए, और ये 200 जनों को दिखा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं। जब कोई किसी ने स्टेप नहीं किया और आप कह रहे हैं कि 200 लोग हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप आगे आना चाहते हैं, लोगों को भड़का के आगे आना चाहते हैं? जो वो व्यक्ति विशेष है जिसने ये पोस्ट डाला, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करके लाइमलाइट में आते रहते हैं, ऐसा देखा है फेसबुक पे। देखिए, मैं उस व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मेरे समकक्ष कोई शिक्षित व्यक्ति आएगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगर आप भूस के अंदर लठ मारते रहे तो ये तो बहुत बेकार बात होगी। मेरे समकक्ष कोई शिक्षित व्यक्ति मुझसे अगर सवाल जवाब करेगा, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। मैं उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करूंगा कि हाँ, मेरे अंदर कोई कट्टरता नहीं है, किसी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं है। एक मैं जन्म से हिंदू हूँ, वो कोई नहीं मिटा सकता। और मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, अपना पालन, धर्म का पालन मैं बिल्कुल अपने विवेक से और ईश्वर के दिए हुए संस्कारों से करता हूँ। लेकिन उसके बाद कोई उस पर उंगली उठाए कि हिंदू धर्म को छोड़कर ये मुस्लिम धर्म को बढ़ा रहे हैं, ये मैं कतई नहीं मान सकता। मैं किसी धर्म को नहीं बढ़ा रहा, मैं सिर्फ मनुष्यता को बढ़ाता हूँ। जहाँ पर एक ह्यूमैनिटी है, कोई आपके घर में पानी पीने आता है, आप पानी के लिए मना कर देते हैं, पूछते कौन हो तुम? नहीं। अरे ये तो हिंदू पद्धति है कि साधु भी भिक्षाम देही। अरे हम भिक्षाम देही नहीं कह रहे, वो लोग बेचारे एक इज्जत से हमारे पास आए। अगर कोई व्यक्ति ने हमसे कहा कि तो ये तो हमारा, हमें इतना उसके ऊपर अच्छा लगना चाहिए कि किसी ने हमसे कुछ मांग तो करी। उन बेचारों की कोई गलती नहीं, उन्होंने बिल्कुल हमसे सादगी से कोई जगह मांगी। हमने कहा ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा लोग हो जाते आप यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए अदा कर लीजिएगा, तो उससे मस्जिद हो गई स्कूल। जिस तरीके के कमेंट दिए जा रहे हैं, इस्लामीकरण है, मास्टर साहब पढ़ाएंगे अब ये नमाज पढ़ाना, अब मास्टर साहब नमाज पढ़ाएंगे। क्या मुझे आता है नमाज पढ़ना जो मैं पढ़ाऊँगा? किस तरीके की वाहियात बातें हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया करके ऐसी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो समाज को तोड़ रही हैं, जो समाज को दूषित कर रही हैं, कट्टरपन पैदा कर रही हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इनका दमन करिए, प्रेम का संचार करिए, एक दूसरे से जुड़िए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। भारत एक विस्फोट के दायरे पर खड़ा है। हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। कट्टरता लाके, हाँ मैं एक धर्म के लिए नहीं कह रहा, मैं चारों धर्मों के लिए कह रहा हूँ। जैसे आज अभी कोई खालिस्तान सपोर्टर भी पकड़े गए, तो ऐसे कट्टरपंथी भी बहुत गलत हैं। किसी भी धर्म के अंदर अगर कट्टरपन आ जाता है, तो वो धर्म धर्म नहीं रहता। हर धर्म के अंदर दया,
सहयोग ये ज़रूरी है। तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो ईश्वर मुझसे कहता है करने के लिए। आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप लोगों को कट्टरता लग रही है इसमें, आप लोगों को लग रहा है कि मैं इस्लामीकरण कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपके सामने कह सकता हूँ मैं सिर्फ एक शिक्षा का प्रचारक हूँ और एक सही शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत जैसा कि देश है अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ विविध धर्मों के लोग रहते हैं और सब आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। और यदि जैसा मयंक जी ने बताया कि ऐसा हुआ ही नहीं था जैसा कि फेसबुक पर वायरल किया जा रहा है, और यदि ऐसा होता भी है तो इसमें क्या बुराई है? मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हिंदू अगर मुसलमान का सहयोग नहीं करेगा तो मुसलमान का हिंदू सहयोग कैसे करेगा? तो ये सब आपस में प्रेम की बात है जो हमें प्रेम से समझनी चाहिए। इसको कट्टरपंथी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। आज हमें ये सब जो है वो मयंक जी ने बताया है, और ऐसा कुछ भी स्कूल में नहीं हुआ है इसका उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि ऐसा कुछ भी स्कूल के अंदर नहीं हुआ है। फेसबुक पर झूठी पोस्ट जो है वो वायरल की जा रही हैं। इसी तरह की सच्चाइयों को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। क्या ये न्यूज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।